हेलो एवरीवन, मैं पिपांची गोस्वामी। आज का डेट है 8 जनवरी 2020। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज के करंट अफेयर्स है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है वो है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 से रिलेटेड। तो सेकेंड राउंड ऑफ इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0, इसको अभी लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के 35 डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लॉक लेवल में January 6, 2020 को। और इस मिशन का जो एम जो है वो अभी जो कि 90% वैक्सीनेशन कवरेज अमॉन्ग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 2 ईयर्स उसको अचीव करना है। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो अभी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 के अंडर है और इट विल बी कैरिड आउट इन 4 राउंड्स ओवर 7 वर्किंग डेज एक्सक्लूडिंग द रेगुलर इम्यूनाइजेशन डेज। और जो ऑफिशियल हॉलीडेज और संडेज जो है वो भी मतलब December 2019 और March 2020 के बीच में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है निर्भया केस। उसके लिए अभी जो 4 जो कन्विक्ट जो है उसमें जो 4 जो दोषी जो है निर्भया केस में, उनको अभी 22 जनवरी को मतलब फांसी दी जाएगी। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो पटियाला हाउस कोर्ट ने अभी जो एक जो डेथ जो वारंट है उसको अभी 4 जो दोषी जो है निर्भया केस में उन लोगों के लिए मतलब इशू किया है। और 4 दोषियों को अभी 22 जनवरी बुधवार को सुबह 7 बजे इन लोगों को फांसी दी जाएगी। और पटियाला हाउस कोर्ट के जो जज है जस्टिस सतीश कुमार अरोड़ा, उन्होंने अभी ऑर्डर्स के पहले 4 दोषियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात की। और जो 4 जो कन्विक्ट जो है अक्षय मुकेश विनय पवन, उन लोगों को ऑलरेडी कोर्ट ने मतलब मौत की सज़ा सुनाई थी। ऑन द अदर हैंड एडवोकेट फॉर निर्भया कन्विक्ट AP सिंह ने जो है अभी ये कहा है कि अभी वो लोग जो है मतलब पटियाला हाउस कोर्ट के खिलाफ मतलब उनके डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जो क्यूरेटिव पटिशन है उसको फाइल करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रविंद्रनाथ महतो, जिनको अभी एज न्यू झारखंड असेंबली स्पीकर इलेक्ट किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 7 जनवरी 2019 को झारखंड के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के तौर पर रविंद्रनाथ महतो को अनएनिमोसली इलेक्ट किया गया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM MLA, उन्होंने अपना जो ओथ ऑफ द ऑफिस जो है वो अभी प्रो टर्म स्पीकर स्टीफन मरांडी ने उनको दिलाया है ये ओथ। और प्रो टर्म स्पीकर ने जो है पहले ही जो कि सभी जो न्यूली इलेक्टेड MLAs जो है इन द 81 मेंबर झारखंड असेंबली 6 जनवरी 2020 को ही इनको ओथ दिलाई थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ईरान ने जो है अभी 2 जो US मिलिट्री बेसेस है इराक में उस पर अटैक किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ईरान ने जो है अभी इराक में जो एयर बेसिस में जो मतलब US ट्रूप्स जो तैनात हैं उनके ऊपर कई मतलब सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया है। और इसको जो है 7 जनवरी 2020 को पेंटागन ने कन्फर्म भी किया है। और ईरान के ये मिलिट्री रिस्पॉन्स जो है वो अभी जो कि टॉप जो जनरल कसिम सुलेमानी है उनके हत्या के बाद ये मतलब प्रतिशोध के तौर पे आया है रिस्पॉन्स ईरान के मिलिट्री का। और ईरान ने अपने रिटेलिटरी स्ट्राइक में जो है जो कि एन असद और जो इरबिल US मिलिट्री बेसिस है इराक में उसके ऊपर मतलब टारगेट किया है। और देयर आर करेंटली नो कन्फर्म कैजुअलिटीज इन द अटैक। तो अटैक में जो है कोई मतलब अभी तक मतलब फ़िलहाल कोई मतलब हताहत नहीं हुआ है। और पेंटागन जो है वो अभी द पेंटागन इज करेंटली असेसिंग द डैमेज कॉज्ड बाय द ईरानियन एयर स्ट्राइक। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लिस्ट ऑफ हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल मेडिकल डिवाइसेस क्रिएटेड। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग ने जो है अभी जो कि लिस्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस है उसको ड्रॉ अप किया है। और जो मतलब जिसमें हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल है और मतलब ये जो है ये अभी जो कि प्रायोरिटी सब्सिडीज
प्रोवाइड करने के लिए 10 जो डिवाइसेस है उसी के साथ आया है ये, और जिसमें सर्जिकल ब्लेड्स, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स, कैथेटर्स, सीरिंजेस एंड नीडल्स, एक्सरे मशीन्स, ब्लड बैग्स, एमआरआई मशीन्स एंड सीटी स्कैन शामिल है जिसमें। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड बैंक स्टडी। तो 6 जनवरी 2020 को वर्ल्ड बैंक ने जो है अपना एक जो स्टडी है मतलब ऑटोमेशन के कारण जो कि मतलब वर्ल्ड में जो एफडीआई फ्लोस मतलब अफेक्टेड है कैसे है, तो उसके ऊपर एक स्टडी रिलीज किया है वर्ल्ड बैंक ने। और स्टडी कंक्लूडेड दैट ऑटोमेशन विल सर्टेनली डिसरप्ट द फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम रिच कंट्रीज टू पुअर कंट्रीज। और ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर जो है राइट टाइम में अगर मतलब अडॉप्ट किया जाता है तो ऑटोमेशन जो है ऑटोमेशन से पुअर जो कंट्रीज है वो अभी गेन कर सकता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है अपना जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स है उसको रिलीज किया है। तो ये उसी से रिलेटेड है। 7 जनवरी 2020 को जो कि फिस्कल ईयर 2020 के लिए जो कि जीडीपी नंबर का जो एक जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स है उसको सीएसओ सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज किया है। और जो ये जो नंबर जो है द नंबर आर इन लाइन विद द प्रेडिक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिपोर्ट के अनुसार जो कि जीडीपी ग्रोथ जो है एस्टिमेटेड एट 5% फॉर द ईयर 2019-20 एज अगेंस्ट 6.8% इन 2018-19 है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ईरान ने जो है अभी एक जो डेजिग्नेटिंग यूएस फोर्सेस पेंटागन एज टेररिस्ट तो उसको उसके ऊपर जो एक जो बिल जो है उसको पास किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ईरान के पार्लियामेंट ने हाल ही में एक जो बिल जो है डेजिग्नेटिंग ऑल फोर्सेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एज टेररिस्ट 7 जनवरी 2020 को ये बिल पास किया है। और ये जो मूव जो है वो अभी यूएस फोर्सेस ने जो ईरानियन मिलिट्री कमांडर कसिम सुलेमानी को यूएस एयर स्ट्राइक के दौरान मतलब मार डाला तो उसी के बाद ये आया है। और कसिम सुलेमानी जो कि द हेड ऑफ कोर्ट्स फोर्स ऑफ ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स क्रॉप्स सॉरी कॉर्प्स, और उनको जो है अभी एक जो यूएस ड्रोन स्ट्राइक के दौरान उनको मार डाला गया बगदाद एयरपोर्ट के बाहर 3 जनवरी 2020 को। और ये जो स्ट्राइक जो है इसने अभी मतलब जो ईरान से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस अट्रैक्ट किया है विच अनाउंस दैट इट विल नॉट लिमिट इटसेल्फ टू द रेस्ट्रिक्शंस सेट अंडर द 2015 न्यूक्लियर डील। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है UIDAI का जो 10 ईयर सक्सेस है द स्टेट ऑफ आधार रिपोर्ट। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI जो कि एक स्टेचुटरी बॉडी है उसको 2019 के सॉरी जनवरी 2009 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और जो सोलेली जो रिस्पॉन्सिबल जो है इंफॉर्मेशन जो है वो सोलेली रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग आधार कार्ड्स। और आधार कार्ड्स इवन आफ्टर 10 ईयर्स वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम है वर्ल्ड का। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंडियन आर्मी जो है वो अभी जो कि GOCO मॉडल के ऊपर जो है अपना काम शुरू किया है इंडियन आर्मी है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 7 जनवरी 2020 को इंडियन आर्मी ने जो है अपना जो काम है वो अभी GOCO यानी कि गवर्नमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल के ऊपर जो है काम शुरू कर दिया है। और जो मॉडल जो है वो अभी बेस वर्कशॉप्स एंड ऑर्डिनेंस डिपोर्ट्स के मतलब लिए ये एक्सटेंड हो मतलब वहाँ तक ये एक्सटेंड होगा ये मॉडल। और वर्कशॉप्स प्ले वाइटल रोल्स एज दे एंश्योर द इंडियन आर्मी इज ऑपरेशनली प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम। तो सभी टाइम के लिए ऑल द टाइम के लिए मतलब जो इंडियन जो आर्मी है वो ऑपरेशनली प्रिपेयर्ड होने के लिए मतलब एंश्योर करेगा ये वाइटल रोल प्ले करेगा वर्कशॉप्स। और वर्कशॉप जो है वर्कशॉप आर असाइन द रोल ऑफ ओवरहॉलिंग टेस्टिंग द रिपेयरिंग ऑफ वेपन्स दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर स्पेयर्स। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वह सेकेंड नेशनल GST कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स कमिश्नर जो है
को अभी आयोजित किया गया था, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो 7 जनवरी 2020 को सेकेंड नेशनल जीएसटी कॉन्फ्रेंस एंड सेंट्रल एंड स्टेट कमिश्नर्स जो है उसको अभी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को सरल करने के लिए आयोजित किया गया था। और ये जो रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है डॉक्टर अजय भूषण पांडे, उन्होंने वो इस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आईएमडी का जो स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट है, ये उसी से रिलेटेड है। तो 7 जनवरी 2020 को इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी उनका जो स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट है उसको 2019 ईयर के लिए रिलीज़ किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो कि क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज हैज़ क्लेम 1659 लाइफ्स इन इंडिया इन द ईयर 2019। और 2019 जो है वो अभी 1901 ईयर से, ये मतलब सेवेंथ वार्मेस्ट ईयर रहा है। और जो टेम्परेचर जो है अब तक का जो मतलब वार्मेस्ट ईयर, द वार्मेस्ट ईयर सो फार 2016, उसके कंपेयर ये मतलब जो टेम्परेचर जो है वो हाई नहीं रहा है, मेनली ड्यू टू वीक एल नीनो इन द पैसिफिक। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर, जिसको अभी गुजरात में इसको सेटअप किया जाएगा, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर VSCIC, जिसको अभी गुजरात में जल्द ही मतलब इसकी स्थापना की जाएगी। और ये जो घोषणा जो है वो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी, उन्होंने किया है। और उन्होंने ये जो घोषणा है वो अभी जो कि 6 जनवरी 2020 को गांधीनगर में एक चिल्ड्रंस इनोवेशन फेस्टिवल में जो एक जो फेलिसिटेशन सेरेमनी हो रही थी उसी के दौरान उन्होंने ये कहते वक्त ये घोषणा किया है। और गुजरात के CM ने अभी जो कि चिल्ड्रंस इनोवेशन फेस्टिवल में उसके दौरान स्कूल टीम्स के द्वारा जो टॉप 30 इनोवेशन आइडियाज है उनको फेलिसिटेटेड किया। और गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो है अभी जो कि एक जो लेटर ऑफ इंटेंट है विद द यूनिसेफ ऑन द ओकेजन उसको भी एक्सचेंज किया, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इसरो ने जो है अभी न्यू सैटेलाइट जो है गगनयान क्रू को हेल्प करने के लिए, तो उसके लिए एक न्यू सैटेलाइट उन्होंने सिस्टम उन्होंने ट्रैक करने के लिए ये किया है मतलब, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक। तो इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IDRSS जो है वो अभी इंडियन सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट्स को मतलब ये मतलब ट्रैक करेगा। लो अर्थ ऑर्बिट्स में जो है इंडियन जो सैटेलाइट्स हैं उनको अभी इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम ट्रैक करेगा। और ये जो है एक न्यू सैटेलाइट सीरीज है जो कि ये प्लान कर रहा है जो कम्युनिकेशन जो सिस्टम है स्पेस एसेट्स के बीच में इंडिया में उसको मतलब स्थापना करने के लिए इसका प्लान है, को स्थापित करने के लिए इसका प्लान है। और ये जो सिस्टम जो है उसका एम अभी है एक वाइटल रोल प्ले करने का इन इंडिया स्पेस स्टेशन एंड स्पेस डॉकिंग। और ये जो है ये अभी जो कि डिस्टेंस जो है एक्सपीडिशंस जो है ऑफ इंडिया टू मार्स मून एंड वेनस उसमें भी असिस्ट करेगा, उसमें भी हेल्प करेगा, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा ये जो चैनल है उसको देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, जय हिंद।